रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ इस चैनल में। मैं तमाम यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी जो आज की वीडियो है, उस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है जी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। ये बड़ा ही एक कॉमन किस्म का क्वेश्चन है जो पूछा गया है हर स्टूडेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से या डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक हम वीडियो बना लें। सबसे पहले हम चलते हैं इस पर, मैं मज़ीद बात करूं या डिटेल में आपको चीज़ें बताऊं। मैं सबसे पहले चलता हूं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर रिसेंटली उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो फ्रंट पे इम्पॉर्टेंट एक नोट आता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है रीकंडक्ट एग्ज़ाम फॉर द स्टूडेंट ऑफ द फोर्थ सिक्स्थ एट्थ सेमेस्टर 25 नवंबर। यानी इनके एग्ज़ाम रीकंडक्ट होने वाले हैं। अब रीकंडक्ट से मुराद ये है कि दोबारा से एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑनलाइन। सर उसमें से किन किन स्टूडेंट्स के होंगे, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, मैं आपके सामने इसको रख देता हूँ। वो यहाँ पर लिखता है, कहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फोर्थ सिक्स्थ एट्थ सेमेस्टर्स वर हेल्ड फ्रॉम द 28 अक्टूबर टू 11 नवंबर। The student who could not attempt 50 MCQs and they did not complete their 60 minutes within the allocated time slots of 2 hours, they can resume their exam for the last saved point. उसने ये बात बोली है जी पहले पॉइंट के अंदर कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फोर्थ सिक्स एंड एट्थ सेमेस्टर के, जिनके एग्ज़ाम 8 नवंबर से शुरू हुए थे और 11 नवंबर तक वो चले थे, और सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 MCQs कंप्लीट नहीं किए और उन्हें 60 मिनट्स दिए गए थे दो घंटे के लिए, तो वो अपने आप को मतलब सेव कर सकते हैं, आखिरी चांस उनके पास मौजूद है। सेकंड नंबर पर वो कहता है द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट 50 MCQs देयर अटेम्प्ट इज कम्प्लीटेड एंड दे कैन नॉट रिज्यूम और अटेम्प्ट द सेम एग्जाम अगेन। इफ़ अ स्टूडेंट इज फेल और वांट टू इंप्रूव मार्क्स, ही विल हैव टू अपीयर इन नेक्स्ट एग्जाम विद अ जूनियर्स एज अ सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट केस एज पर रूल। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 अटैम्प्ट किए हैं और देयर अटैम्प्ट इज़ कम्प्लीट, और उनकी अटैम्प्ट कंप्लीट हो गई थी, अब वो दोबारा वो वाला पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी पास हैं या फेल हो गए हैं। बड़ा ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे 50 MCQs अटैम्प्ट किए हैं और वो पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, वो दोबारा जो है इस पर अपीयर नहीं हो सकते। वही लोग अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने 50 MCQs अटैम्प्ट नहीं किए और जिनके 60 मिनट्स पूरे नहीं थे हो गए, ठीक है। अब वो वाले बच्चे जो हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं या दोबारा देना चाहते हैं, जिन्होंने 50 MCQs पूरे अटैम्प्ट कर लिए थे, वो कब देंगे, वो जब नेक्स्ट आपके जूनियर्स जो हैं ना, जब आपके सीनियर्स या आपके उस सेमेस्टर में पहुंचेंगे, जब उनके एग्ज़ाम होंगे तो फिर आप उनके साथ देंगे ये पेपर्स वगैरह। थर्ड नंबर पर आता है, कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हु हैड सप्ली इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द फोर्थ सिक्स एट सेमेस्टर दे कुड नॉट अटैम्प्ट देयर सप्लीमेंट्री एग्जाम, दे कैन एनरोल नाउ एंड अटैम्प्ट देयर सप्ली सब्जेक्ट। कहते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी चौथे छठे और आठवें सेमेस्टर के अंदर सप्ली थी, दे कैन नॉट अटैम्प्ट देयर सप्लीमेंट्री एग्जाम, वो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम अटैम्प्ट नहीं कर सकते। दे कैन इनरोल नाउ, अभी इनरोल्ड हो जाएं एंड अटैम्प्ट देयर सप्ली सब्जेक्ट, और सप्ली सब्जेक्ट के लिए वो अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चौथा छठा और आठवां है ना, ये उन लोगों के लिए है वंस अगेन जिन्होंने ये पहले पॉइंट के अंदर के 50 MCQs जिनके पूरे नहीं थे हुए। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी उन लोगों को दोबारा एक चांस दे रही है, अब इस चांस को अवेल करने के लिए अगर वो बच्चे जो राइट नाउ फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, अगर वो ये चाहते हैं जी हम जनाब इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और अपने सप्ली के सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं जिनकी फ़िज़िकल में सप्लीज आई हुई थी, यानी फ़िज़िकल एग्ज़ाम में पिछले, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अलबत्त वो अपने आप को इनरोल कर लें और इन्फॉर्म कर दें कॉलेज के रेलिवेंट अथॉरिटी को, और उसके बाद क्या होगा, वो उनकी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे और उसके बाद वो बच्चे सप्ली का पेपर दे सकते हैं। चौथे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी एक्टिव फॉर द होल डे, सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सारे दिन के लिए एक्टिव नहीं होंगे। वो ये कहते हैं टाइम स्लॉट फॉर दी ऑल सब्जेक्ट्स विल बी एज पर द डेट शीट, टाइम स्लॉट जो है वो उसने बता दिया, जैसे ये उसने एक लिंक दिया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें, कहता है जी फाइनल डेट शीट फॉर द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर अपडेटेड। इसमें उन्होंने ये देख सकते हैं कि डिग्रीज के नेम है, इस पर ये आप अगर देखें बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें उसने टाइम बताया हुआ है कि आज सेकंड सेमेस्टर का पेपर मौजूद है, ठीक है, जिसमें पेपर है जी उनका कौन सा, इंग्लिश का, इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव 11 नवंबर, यानी आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद ये बायोटेक्निक बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे मज़ीद बी एस केमिस्ट्री जो सेकंड सेमेस्टर है, इनके भी 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं मज़ीद नीचे आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट, मतलब ये उसने टाइम बताया हुआ, ये आपकी जो है ना टाइम स्लॉट है, ये जो है ये टाइम है, यानी इस टाइम तक वो ऑनलाइन होगा, उसके बाद ही वो चलेगा, और ये डेट्स उसने बता दी हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे इस लिंक को आप ज़रूर ओपन करें। तमाम स्टूडेंट्स और टीचर से रिक्वेस्ट है ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। उसके बाद नीचे जो सेकंड लिंक है उसमें भी उसने ये बता दी है जी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फ़ाइनल डेट क्या है जी, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर द लास्ट सेमेस्टर्स, ठीक है, जो अभी जिनके एग्ज़ाम हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उसने डेट्स यहाँ पर मैंशन की हुई हैं, और सेशन भी बता दिया उसने कि जैसे अक्टूबर तो गुजर गया ना, अक्टूबर में एग्ज़ाम इनके शुरू हो गए थे और 11 नवंबर तक चले हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये वो वाली सारी की सारी क्लासेस हैं जिनके अभी एग्ज़ाम हुए थे, और ये उनकी टाइमिंग्स थी और ये उनके सेशंस हैं। आपने इसको भी फॉलो करना है अगर आपको सेशंस वगैरह में कन्फ्यूजन हो। पाँचवें नंबर पे कहते हैं, स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इन द रॉन्ग डिग्री और कोर्स बाय मिस्टेक दे कैन इनरोल नाउ इन करेक्ट कोर्स एंड डिग्री। जिन बच्चों ने जो आपका वो यूज़र पासवर्ड मिला था ना, उस पर आपने गलत एंट्री कर दी थी या गलत कोड आपने पुट कर दिया था या गलत सब्जेक्ट इनरोल्ड किया था, वो अभी अपने आप को क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। छठे नंबर पे कहता है, स्पेशल एग्जाम फॉर द लेट लेफ्ट ओवर केसेज ऑनली 30th November 2020 ऑनवर्ड। स्पेशल एग्ज़ाम जो है उन लोगों के लिए जो जिनका लेफ्ट ओवर केस था, जो छोड़ गए थे, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी उनके लिए, 30 नवंबर तक का टाइम है और उससे आगे, ठीक है, उनके लिए वो केस चलेगा आगे। फॉर द ऑल अदर पेंडिंग केसेज फॉर द प्रीवियस सेशंस कोर्सेज, मतलब ये वो लोग जो छोड़ गए अब दोबारा आ रहे हैं उसमें, 30 नवंबर से ऑनवर्ड तक का उन्होंने टाइम दिया होगा कि वो आएँ और अपना मामला हल कर लें। फॉर ऑल अदर पेंडिंग केसेज फॉर द प्रीवियस सेशन कोर्स कोड कॉन्टेंट चेंज सेशन एक्सपायर मिसिंग पेपर कॉलेज प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टेड टू फिल देयर गिवन ऑन द ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट पोर्टल। सारे के सारे वो लोग जिनके ये प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कि कॉन्टेंट चेंज हो गया था, पता नहीं चला सिलेबस चेंज हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया था आपका, यानी आपने डिटेल कोई पुट ही नहीं की, एग्जाम मिसिंग है, बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया, मिस हो गया था, ठीक है, किसी लाइट या इंटरनेट की वजह से, और सारे के सारे कॉलेज प्रिंसिपल से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आप क्या करें, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर उसको अपडेट करना शुरू कर दें। अब उसके लिए उन्होंने एक लिंक दे दिया यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जनाब कॉलेजेस हैं, ये हर प्राइवेट कॉलेज के पास ये यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल लॉगिन होता है, इस पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें, आप लॉगिन हो जाएंगे इसमें। तो बाकी जो है इस पर वर्किंग जो है स्टार्ट कर दें आप सब लोग, ठीक है, अभी से। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर इसमें जो हमें हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पासिंग जो क्राइटेरिया वो क्या है, 50 आपके MCQs थे, ठीक है। अब उसमें बेटे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ना इस पेपर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, थ्रेटिकल पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, और उसके और सेशनल मार्क्स होते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था बार बार कि सर प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके बारे में भी अभी गाइड कर देता हूँ। ओपेन मार्क्स हैं जी आपके, सबसे पहले डिवाइडेड बाय टोटल MCQs मल्टीप्लाई बाय 48। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि किसी बच्चे के ओपेन मार्क्स आते हैं जी 21, ठीक है, और 21 इसको मैं डिवाइड करता हूँ, टोटल MCQs कितने थे क्वेश्चन में 50, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 48 के साथ। अब 48 क्यों मैंने की है, 48 इसलिए किया है, ये फार्मूला मैंने निकाला है कि आपका जब इससे पहले आपका होता था ना पेपर, फिज़िकल आपके एग्ज़ाम जब होते थे तो वो पेपर आपको 60 नंबर का आता था, ठीक है, जिसमें से 48 नंबर आपके थ्रेटिकल होते थे और 12 नंबर के आपके सेशनल मार्क्स होते थे, ठीक है, तो 20 नंबर जो होते थे वो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स के होते थे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट गेट कर गए हैं, तो उस 48 में से ना आपको 40% मार्क्स लेने पड़ने हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि कम अज़ कम 21 नंबर लेना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये फार्मूला कैलकुलेटर पे अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल 21 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 48 तो ये आता है 20.16, ठीक है, 20.16, यानी कि 20% जो है, सॉरी 20 नंबर आपके निकल आए हैं। अगर आपने 21 MCQs आपके ठीक हैं 50 में से, तो ये आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं ना, ये 20 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 20.16 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले के अकॉर्डिंग मार्क्स गेट किए हैं 20.16, ठीक है जी। अब चलते हैं सर जी, ये 20 जो है ये मतलब कितना परसेंटेज, ये कितने, ये तो 20 मार्क्स है ना टोटल, तो सर ये परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ
तो ये परसेंटेज की शक्ल में कितना निकलता है? कोई मसला नहीं जी, मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ यहाँ से 48 के ऊपर, तो ये देखें ये बनता है 42, यानी कि 48 में से 42 मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, यानी 42 नंबर 42% आ गया ना आपका, मल्टीप्लाई 100 अगर मैं कर देता हूँ तो ये आता है आपका कितना 42%। इसका मतलब ये है कि 50 MCQs में से आपको 21 आपके ठीक होने चाहिए, तो फिर ये आपका आपके टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 20.16। और अगर मैं परसेंटेज निकालूं 48 के एतबार से तो परसेंटेज निकलती है 42। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर 20 नंबर आते हैं तो क्या हम लोग पास होंगे? उसके लिए आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ जी। 20 डिवाइडेड बाय टोटल MCQs कितने हैं 50, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 48 के साथ, तो ये आता है 19.20। अब 19.20 को आप डिवाइड कर दें 48 के साथ, तो ये बनता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पूरे 40 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरे आपके 40 नंबर बनते हैं। एक दफ़ा फिर से आपको कर देता हूँ, अगर आपके 20 MCQs ठीक हैं, ठीक है, कितने में से 50 में से, तो उसको साथ मल्टीप्लाई करना आपने 48 से, तो ये आपका बनता है 19.2। और 19.2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 48 के ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये परसेंटेज बनती है 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये एग्जैक्ट 40 मतलब के जो हैं वो मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 21 जो है ये सेविंग पॉइंट है, इस पर आप ज़रूर आएँ। अब उसके बाद आगे जो है प्रैक्टिकल मार्क्स की तरफ आते हैं। सर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 40% मार्क्स ले ली हैं, यानी 48 का 40% कितना बनता है मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। 48 को अगर मैं ज़र्ब देता हूँ 40% से तो 19.2 आ रहा है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट 20 तक होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, वैसे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 20 वाला जो है वो सेविंग पे आ जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप 21 तक मार्क्स जो हैं वो ज़रूर गेट करें, ताकि आपका जो टोटल है वो परसेंटेज आपकी अच्छी हो जाए। 20 वाला भी पास हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 21 आप ज़रूर रखें उस पर। अब इसके अकॉर्डिंग जी आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है? 42% बन रही है। अब सर हमारे प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लगे हैं? ठीक है, तो प्रैक्टिकल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर भी इसका फार्मूला लगा देता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 21 नंबर लिए हैं, 21 को आप डिवाइड करते हैं 50 के ऊपर, ठीक है, और उसको आप ज़रब दे दें 20 के साथ, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है, तो आपका यहाँ पे टोटल निकल आएगा। फिर मैं इसको कैलकुलेटर के भी साथ करके देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 डिवाइडेड बाय 50, 42 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 20 के साथ, तो आपका ये 8.4, यानी कि प्रैक्टिकल में फिर 8 नंबर आपके लगेंगे अगर आपके 21 MCQs ठीक हुए हैं और आप पास हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फिर यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आते हैं 8.4, ये प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिकली लग गए हैं। अब सेक्शनल मार्क्स 12 होते हैं जी, वो डिपेंड करता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो 12 में से कितने नंबर आपको देते हैं। सो सिंपल ये है कि सर अब पास कितने वाला है, तो पास जो आप देख लें जी 40% वाला एटलीस्ट पास होता है, तो 20 जो हैं ये मार्क्स पे भी अगर इस फार्मूले के तहत हम चलते हैं तो इसमें 20 वाला भी पास है, लेकिन एटलीस्ट 21 आप ज़रूर रखें। अब ये मैंने आपको एक फार्मूला लेकर बता दिया। अब ये फार्मूला सब सारे के सारे डिसिप्लिनस के ऊपर नहीं चलेगा, ये क्रेडिट ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्रेडिट ऑर्ड्स हैं 2 हैं, कुछ के अंदर 3 हैं। अब ये मैंने उन सब्जेक्ट्स के हवाले से आपसे बात की है जिनके क्रेडिट्स और 3 हैं, ठीक है, तो बाकी अगर किसी के 2 हैं या 4 हैं तो उसके लिए डिफरेंट होगा। मैं उम्मीद करता हूं जी आपको इस फार्मूले की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर मज़ीद आपको कुछ बात इसमें से पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।